अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शेब न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली कराची में सर्दियाँ आ चुकी हैं, और जैसे दिसंबर स्टार्ट हुआ था तो मौसम ठंड होना स्टार्ट हो गया। तो आज यानी कि मैं जो है ना व्लॉग बना रहा हूँ, रिव्यू को बना रहा हूँ। ख़ास तौर पे ये स्टैंड है और रिंग लाइट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो ठीक है, अब मैं इसको ओपन करने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी, क्या दिया हुआ है ये मेरे ख्याल से बीच में लाइट के ना मोबाइल लगाने के लिए। और बॉक्स में क्या है चेक करते हैं। अच्छा, नहीं किसका चार्जर है ये। और ये है रिंग लाइट। तो गाइस, अभी हम मैं ये जो ट्राईपॉड है 3300A, अब इसके अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। इसके क्या है, थ्री वे हेड है, मिडिल लेवल है, क्विक लीवर लॉक वगैरह है। तो चेक करते हैं इसको। खाली एक बैग निकला है, और बैग के अंदर से मेरे ख्याल से इसका सामान वगैरह होगा। ये है, और ये मेरे ख्याल से जिसमें मोबाइल वगैरह फिट कर सकते हैं इसके अंदर ना। ये ट्राईपॉड है लेकिन ये बड़ा हो जाता है। तो अभी हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो कहते अभी हम ट्राईपॉड को लगाने लगे, इसको खोलने लगे, इसको ट्राई करते हैं। और ये ट्राईपॉड लग गया हमारा, इसको भी और भी लंबा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको ना ऐसे करना पड़ेगा। तो ये इसका लीवर है। हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से टाइट कर देंगे। तो और ये हमारा ट्राईपॉड आराम से हमने सेट कर लिया। अब देख सकते हैं इसकी अच्छी खासी लेंथ हो गई है। जैकी अदर साइड पे हो जाओ। अब हम इसको रिंग लाइट को लगाने लगे हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसे लगेगा नीचे की तरफ ना, ठीक हिल रही है। ताकि इसमें मोबाइल वगैरह फिट कर सकें हम। ये इसी तरह होगा इसका चार्जर। ये इसका मेरे ख्याल से अडॉप्टर है, अपने चार्जर में अडॉप्टर है, इसका अडॉप्टर भी दिया हुआ उन्होंने। बीच में इसके क्यूट क्यूट से बटन भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं क्यूट क्यूट से, ये इनके बटन है।
सभी सेट हो चुका है, अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये है, तीन है, कम ज़्यादा का ऑप्शन भी है, फुल है। ये डिम हो गई, माशाल्लाह लाइट तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बाकी के अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छा रिजल्ट है इसका। आप लोग भी देख सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो गाइस ये आप चेक कर सकते हैं अभी इसकी क्वालिटी। बाकी के अभी मैं इसके क्या नाम है उसका आपको यानी कि तेज़ हल्के करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कम हो रही है, आप वादे देख रहे होंगे लाइट का फ़र्क, और ये भी तेज़ हो रही है। बाकी इसमें टोटल तीन है, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। एक ये है, ये फुल वाइट है, ये येलोइश सी है, और ये नॉर्मल है। बाकी ये क्या, आप न्यू यूट्यूबर हैं और क्या नाम है इसका ये ब्लॉगर बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने यानी कि जो मेन चीज़ है वो आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये लाइटनिंग का खास ख्याल होना चाहिए। क्योंकि बगैर मैंने भी यानी कि पहले ब्लॉग बना रहा था, जब मैंने चेक किया तो यानी कि लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा है फैसला किया कि एक रिंग लाइट होनी चाहिए। तो अभी ये देखिए मेरे ख्याल से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि रिज़ल्ट काफ़ी वाज़ है। मैं भी आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, बगैर लाइट कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, और मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें अब वाज़ फ़र्क देख सकते हैं आप। तो यही कि यानी कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो कम से कम अपनी वीडियो का, लाइटनिंग का और माइक का, ये तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें आप। बाकी ये कि जो मैंने ये चीज़ें परचेज़ की हैं, ये मेट्रो है सफारी पार्क के, जो सफारी पार्क है उसके साथ ही मेट्रो है, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया। ये है लाइव लाइट F360, तो मेरे ख्याल से ये बहुत शार्प लाइट है और बेहतरीन है और मुनासिब कीमत में। और सेम इसी तरह ये जो क्या नाम है इसका मैं ट्राईपॉड लेकर आया हूँ, ये भी काफ़ी मज़बूत है और यानी कि मोबाइल को और क्या नाम है उसका ये रिंग लाइट को होल्ड कर सकता है। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, अगर आप जाना चाहें विज़िट कर सकते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ मिल जाएगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग, तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।